आइए इसकी खेती के विषय में अब हम चरणबद्ध तरीके से बात करते हैं। गिनी उगाने के लिए किसान भाइयों, आपको जहाँ पर हमारी दोमट और बलुई मिट्टी है या फिर जो जल निकास वाला खेत है वहाँ पे इसके लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है, आप उसको वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके लिए गिनी घास के लिए जो हमारी खाद एवं उर्वरक है उसको किस किस तरीके से डालना चाहिए, हमको गिनी लगाने के लिए सर्वप्रथम 10 से 12 टन गोबर की खाद डालनी चाहिए तथा 50 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 30 किलो पोटास बुवाई के समय इसमें डालना चाहिए। और जब आप पानी दें, सिंचाई दें, तब 40 केजी नाइट्रोजन इसको डालना जरूरी है। इसलिए इस तरीके से इसको हम खाद और उर्वरक का हम प्रयोग कर सकते हैं। गिनी घास की हमारे देश में विभिन्न प्रजातियाँ निकाली गई हैं, जिसमें कि गिनी एक, गिनी दो, मकोनी, हामिल, गटन, पीपीजी 1, 9, 14, 19 और कोयमटूर 1 और 2 पूरे भारत में ये रिकमेंड की गई है या संस्तुत की गई है, जो कि हमारे क्षेत्र सभी जगह पे हाँ आप लोग लगा सकते हैं। और इसके प्रजाति के साथ ही किसान भाइयों, कोई भी फसल हम लेते हैं तो उसके लिए खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए समय समय पर आप इसको खुरपी की सहायता से खरपतवार को निकाल सकते हैं, और अगर चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है तो उसको 2,4-D दवा की 1 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें, जिससे कि आपके जो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार है वो सब खत्म हो जाएंगे और आपकी अच्छी उपज होगी। इसको बीज तथा जड़े कटिंग स्टेम द्वारा लगाते हैं। बीज के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 4 किलो बीज और स्टेम कटिंग है तो उसके लिए 40,000 जड़े उपयुक्त चाहिए, मतलब उपयुक्त रहती हैं, वो लगाना चाहिए। इसको आप जो हमारी कटिंग है इसको 2 से 3 हिस्सा जो गांठ है उसको जमीन में अंदर दबाना गाड़ना चाहिए और 2 से 3 ऊपर हिस्सा उसको ऊपर रखना चाहिए, जिसको लगाने के बाद उसको तुरंत सिंचाई करना, अगर पानी का साधन नहीं है, वर्षा नहीं है तो उसको पानी का साधन देना चाहिए। और इसको लगाने का उपयुक्त समय वर्षा के समय जून और जुलाई सर्व उपयुक्त माना जाता है, और यदि आपके पास पानी का साधन है तो फरवरी में भी लगा सकते हैं। कि ये लगाते समय इसकी पौध से पौध की दूरी 50 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। और यदि अगर हम किसी फलदार वृक्ष या झाड़ी वाले वृक्षों के साथ इसको लगाते हैं तो इस दूरी को हमें बढ़ा देना चाहिए, जिसको कि 1 मीटर से 2 मीटर इसकी दूरी कर देते हैं, और इसके बीच में हम गिनी लगा सकते हैं और साथ में पेड़ को भी लगा सकते हैं। और ये हमारी जो बहुवर्षीय घास है ये चारा उद्यान पद्धति के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है या फिट बैठती है, जिसके परिणाम अच्छे प्राप्त हुए हैं और अच्छी हमें वर्ष भर हमें अच्छी चारा प्राप्त होता है।